गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास टेंथ में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये बता दें आपको कि जो आपका टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप में मंडे को शुरू हो जाएगा, मंडे को कराया जाएगा। जो हम ग्रुप में पेपर सेंड करेंगे, जो आप लोग सभी लोग आंसर लिख करके भेजोगे, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मेरा बेटा वो है क्या, एक करेंट ऑफ 5 एम्पीयर क्वेश्चन हमारा। ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर, एक करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ऑफ लेंथ 2 मीटर, ऑफ लेंथ 2 मीटर। दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, दिस कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, इज प्लेस्ड इन, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2.0 न्यूटन एम्पियर, 2.0 न्यूटन पर एम्पियर, 2.0 न्यूटन पर एम्पियर, ओके, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ओके। विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है बेटा, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंपल सा है, यानी कि ये गिवन है, गिवन है, क्या दिया गया ध्यान में, आई इज इक्वल टू दिया बेटा, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। लेंथ एल की वैल्यू दिया 2 मीटर, 2 मीटर, और उसके बाद क्या रहा है, लेंथ नहीं दिया, हाँ लेंथ 2 मीटर, और उसके बाद कैपिटल बी जो दिया बेटा वो दिया है 2.0 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, पर एम्पियर, ओके। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नाउ वी कैन से दैट, वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, ओके, आई वी एल साइन थीटा,
यहाँ पे देखो, यहाँ से इसमें कोई एंगल की बात नहीं किया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा, इफ इफ द एंगल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू क्या बेटा 30 डिग्री। ओके नाउ दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन स्टार देन वी गेट एफ इज इक्वल टू आई 5 v 2 × 2 × sin बेटा 30 डिग्री। ओके देन एफ इज इक्वल टू 5 × 10 × 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 1/2 F is equal to 10 newton. Then the total applied force is equal to 10 newton. Okay? हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा साइन 30 इज इक्वल टू जो होता है 1/2। नोट कर लो जल्दी को। ठीक है, अब मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ −19 coulomb and mass 9 × 10⁻³⁻³ is moving with velocity is moving with velocity 10⁻⁶ meter per second 10⁻⁶ meter per second enters in a magnetic field enters in a magnetic field of intensity 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके एट एंगल ऑफ 30 डिग्री with the direction of field. Calculate the force and acceleration
of the electron and acceleration of the electron. क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे क्या क्या दिया है लिखेंगे, गिवन है Q इज इक्वल टू बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूला, ए गिवन है, और उसके बाद कह रहा है एंड मास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के जी, मास थ्री नहीं बेटा 31 है, मास एम की वैल्यू दिया बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी, ठीक है, वेलोसिटी वी की वैल्यू दिया बेटा 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड वी इज इक्वल टू 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. Now we know that F is equal to I B L sin theta. Okay, but I is equal to Q upon T. आई नो वेरी वेल, अच्छी तरीके से जानते हैं, देन आर क्यू अपॉन टी, देन क्यू अपॉन टी इंटू बी इंटू एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी एल अपॉन बी एल अपॉन टी साइन थीटा, यस बेटा लिख सकते हैं एल अपॉन टी, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एल अपॉन टी होता है धारक, तो जहां पे एल अपॉन टी है वहां क्या रख सकते हैं बेटा वी, यहां मिलेगा हमको एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा. एक नया फॉर्मूला मिला इन टर्म ऑफ चार्ज, इन टर्म ऑफ चार्ज, नाउ दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन स्टार, this is like a star, F is equal to Q 1.6 into 10 to the power minus 19, what is the value of B, 3 into V ki value kya beta 10 to the power 6, 10 to the power 6 into sine 30 degree, ठीक है, देन F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय या प्लस 6 और इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू 63 जा 18, 3 वन जा 3, 4, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, ठीक है, और इंटू साइन 30 की वैल्यू भी फाइंड किया 1/2, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 इज इक्वल टू बेटा होता है 1/2, नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13
न्यूटन, ओके। And also find the value of acceleration and the value of acceleration. Okay. According to the Newton second law of motion, second law of motion, F is equal to m into a, F equal to m into a. Now a equal to F upon m, F upon m, F की value 2.4 into 10 to the power minus 13 upon m, 9 into 10 to the power minus 31, ओके बेटा, 3 बन जा 3, 3 8 जा, means 0.8, 0.8 upon 3 is into 10 to the power minus 30 plus 31, okay, 0.8 upon 3 into 10 to the power 31, इसे 30 जाए तो कितना बचेगा बेटा, 11, 8, 1, 18, कितना बचेगा, बिकॉज यहाँ वैल्यू 2 बचेगी, 2 बचे बन जाएगा 18, तो आ जाएगा 18, ओके, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ओके, 20, 3 6 जा 18, 6 7 हो जाएगा, then 0.267 into 10 to the power 18. Now A is equal to 2.67 into 10 to the power 17 meter per second square. Copy that. Okay? जल्दी नोट करो, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो क्वेश्चन है, इन ए वायर 0.2 मीटर लॉन्ग, इन ए वायर, इन ए वायर 0.2 मीटर लॉन्ग, 0.2 मीटर लॉन्ग, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट ए, करंट ऑफ
2 एम्पियर, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर एम्पियर इज फ्लोइंग वायर इज केप्ट इन ए वायर इज केप्ट इन ए वायर इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड with the direction of field, okay? The intensity of the field is the intensity is 5.0 newton. 5.0 newton. 5.0 newton. Newton per ampere meter. Per ampere meter. Okay. Per ampere meter. How much force will be exerted? How much force will be exerted on it? Okay. Given that. L is equal to 0.2 meter long. Current 2 ampere. I equal to 2 ampere. Okay. Flowing in a wire, uniform magnetic field. Angle theta is equal to 45 degree. Uske baad field B is equal to 5.0 newton. पर एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर उसके बाद एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा ठीक है I 2 into B 5 L 0.2 and sine 45 degree sine 45 degree ठीक है बेटा तो कितना आएगा 5 to the 10 into 0.2 into sin 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 क्लियर है ना द वैल्यू ऑफ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 ओके पॉइंट लगा दो 2 into 1/√2 ओके We can write
रूट टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई रूट टू, रूट टू रूट टू खत्म हो गया, एफ की वैल्यू रूट टू मीन्स एफ इज इक्वल टू बेटा रूट टू न्यूटन, ओके, और एफ इक्वल टू 1.414 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा। नोट करो जल्दी से, हो गया कंप्लीट हो गया बेटा। अब ऐसे इस टाइप के शायद क्वेश्चन आपके बचेंगे भी नहीं, है ना, इसको मैनेज करते रहे, ठीक है भाई। अगला देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर गौर फरमा दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन, एम्पियर इज फ्लोइंग इन, इज फ्लोइंग इन, फ्लोइंग इन ए वही है 0.4 मीटर लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ओके, द वायर इज किप्ट इन, द वायर इज किप्ट इन, द वायर इज किप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, द वायर इज किप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 0.4 न्यूटन, ऑफ 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ओके, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन, फाइंड द फोर्स बिटवीन and the force exerted on the wire, and the force exerted exerted on the wire, on the wire, ठीक है बेटा, exerted on the wire, if it perpendicular to the field, if it perpendicular to the field, to the field, second है, make an angle of 30 degree, make an angle of, make an angle of 30 degree, make an angle of 30 degree with the field, with the field, विद द फील्ड, ओके, और थर्ड है हमारा, थर्ड है बेटा पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड,
क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन में तीन तरीके से इसने क्वेश्चन कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एकदम सिंपल सॉल्व करना। इसने गिवन है, गिवन है करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके, लेंथ 0.4 मीटर, ठीक है, द वायर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 0.4 न्यूटन पर एम्पियर, मीन्स B इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, और फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और थीटा के लिए कई सारे कंडीशन दी है, थीटा के लिए कंडीशन दे दीजिए, ओके, ऐसे पहला बेटा पहला है, पहली कंडीशन क्या है ध्यान देना, करा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, पहली कंडीशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तीसरा है, दूसरा है मेक एन एंगल, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद विद द फील्ड, विद द फील्ड, विद द फील्ड, उसके बाद लास्ट है पैरेलल टू द फील्ड, सेकेंड हो गया, थर्ड है पैरेलल टू द फील्ड, कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा जो सिचुएशन बनेगी उसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। पहले वाले में है जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा तो थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, और उसके बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और पैरेलल टू द फील्ड दिया गया तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। बच्चों आई की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, B की वैल्यू क्या है बेटा 0.4 है, इंटू L की वैल्यू क्या है 0.4 ही है, ठीक है, और उसके बाद साइन 90 डिग्री है, बेटा साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4 = 16, 0.16 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बोलो 0.16 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से इनटू साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 16 × 2 जब कितना आ जाएगा 32, मीन्स 33.2 न्यूटन, बोलो सॉरी दो नंबर के बाद पॉइंट है ना, ऐसे लिखेंगे 0.32 न्यूटन, यानी पहला वाला हमारा साफ हो गया ऐसे, और सेकंड के लिए क्या करा है फिर यही फॉर्मूला एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। बच्चों यहाँ भी अप्लाई करेंगे, आई की वैल्यू क्या है 2 × 0.4 × 0.4 × sin 30 डिग्री, मीन्स 2 × 0.16
इनटू 1 बाय 2 2 2 कैंसिल बेटा देन द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू यहीं से मिलेगा 0.16 न्यूटन 16 न्यूटन नेक्स्ट है f इज इक्वल टू i b l साइन थीटा i की वैल्यू बेटा क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इंटू साइन 0 डिग्री और अब बेटा जानते साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0 देन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 न्यूटन ओके तीनों कंडीशन में हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया बेटा सॉल्व कर लिया समझ में आ गया नोट कर लो एकदम इजी वे में हम लोगों को सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा इसमें समस्या झेलने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इरेज कर दें ठीक है भाई अगला क्वेश्चन है बेटा चलो लगा के लेके आना तुम लोग देखते हैं लगा लेते हो कि नहीं चलो एक क्वेश्चन है द चार्ज यानी कि द चेंज एंड यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है यानी कि द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ठीक है इट इज मूविंग विद ए स्पीड इट इज ए मूविंग विद स्पीड मूविंग विद स्पीड ऑफ मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड आई एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री आई एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री ओके टू ए मैग्नेटिक फील्ड टू ए मैग्नेटिक फील्ड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 500 ऑफ 500 500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर न्यूटन पर एम्पियर मीटर कैलकुलेट द फोर्स एम्पियर मीटर कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्टिंग ऑन इट ओके बेटा क्वेश्चन ही सॉल्व करना आपको देखते करना तो नहीं एकदम इजी क्वेश्चन है देख करके शायद आपको आंसर समझ में आ रहा हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलो ठीक है अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है आ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है मेरी बात सुनो अब आपको क्या करना है बेटा कि जो टेस्ट होगा आपका
टेंथ क्लास का जो साइंस के टेस्ट हैं वो मंडे को रखे गए हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना, जो आप लोगों को अटेंड करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, इसके बाद का जो टॉपिक होगा, मैंने इससे रिलेटेड आज एक न्यूमेरिकल लगवाया, काफ़ी न्यूमेरिकल लगे हम लोग के। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको जनरेटर कहते हैं, डायनेमो पढ़े हो ना, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद ये शायद आपका मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है फिनिश हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कोई टॉपिक छूटता है तो आप लोग उस पर जो है क्या कहते हैं देखना, अगर वीडियो तो कमेंट कर देना, ओके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक, चलो।